नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त उपस्थित हूं। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, आजकल हमने एक कड़ी स्टार्ट की है जिसका नाम है कैसे पाएं सेक्स संबंधित समस्याओं से निजात। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोगों को सेक्स संबंधित समस्याएं रहती हैं दोस्तों, पर उन्हें समझ में नहीं आता है। वो परामर्श तो लेना चाहते हैं पर समझ में नहीं आता है किससे पूछें, क्योंकि खास करके ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमारे कुछ दोस्तों से भी अगर पूछने जाए, उनको वास्तव में पता भी हो कि ये क्या समस्या होती है, तो भी वो मज़े लेने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं, हंसी का सब्जेक्ट बना देते हैं इसे। इसीलिए खास करके बहुत सारे लोग इस संबंध में किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, और उन्हें जब जानकारी नहीं होती है सही, तो समस्या आने पर जितनी वो फिजिकली समस्या नहीं होती है, उससे ज़्यादा वो मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं उस समस्या से, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि ऐसे में क्या करें। इसीलिए हमने ये कड़ी स्टार्ट की आप सभी के लिए दोस्तों। आइए, आज हमारे एक श्रोता हैं जिनकी मेल को लेते हैं, देखते हैं इनका कहना क्या है। ये कहते हैं, मैं और मेरी पत्नी दोनों की आयु 32 वर्ष है। हमारे विवाह को हुए 10 वर्ष बीत चुके हैं। हमारे 8 वर्ष का एक लड़का है, लेकिन हम और भी बच्चे पैदा करना चाहते हैं। हम दोनों पूर्ण स्वस्थ हैं और यौन दृष्टि से भी बड़े सक्रिय हैं। हमने कहीं पढ़ा है कि यदि 20 या 30 मिनट तक रोज गर्म पानी से स्नान किया जाए तो संतान उत्पन्न करने की क्षमता कम हो जाती है। क्या यह बात ठीक है? मुझे रोज शाम को थोड़ी देर तक गर्म पानी से टब में बैठकर स्नान करने की आदत है। हमारे संतान उत्पन्न न कर सकने का यही कारण तो नहीं? देखिए, गर्म पानी से स्नान करने से शुक्राणुओं का उत्पादन कम होने लगता है, जिससे संतान उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है या नष्ट हो सकती है। इसीलिए यह बहुत संभव है कि प्रत्येक संध्या को आधे घंटे तक गर्म पानी के टब में बैठकर स्नान करने की आपकी आदत के परिणाम स्वरूप आप पिछले 8 वर्ष में संतान उत्पन्न करने में असमर्थ रहे हो, जबकि आपका वैवाहिक यौन जीवन पूर्ण रूप से सुखी और संतोषप्रद है। आप 4-6 महीने गर्म पानी से स्नान करना बंद कर दीजिए और फिर देखिए क्या होता है। यदि तब भी आपकी पत्नी गर्भवती नहीं होती हैं, तो आप दोनों को किसी सुयोग्य डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। वह आपके वीर्य की परीक्षा करके आपकी असमर्थता के कारण का निदान कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो देखा आपने कि हमारे एक श्रोता की समस्या थी जिसको हमने शामिल किया अपने इस एपिसोड में। इसी प्रकार से आपके भी मन में हो सकता है कि कुछ अलग तरह की समस्या हो या कोई बात हो, तो आप हमें लिख करके सेंड कर सकते हैं दोस्तों। हम आप सभी की समस्याओं पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। हमारी ये कड़ी कैसा लग रहा है आप सभी को, आप ज़रूर कमेंट्स में बताएँ अगर वक्त आपके पास हो तो। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।